अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत हैं जो प्रदेश महासचिव हैं बसपा के अंदर, जिनकी एक आवाज़ पे हजारों लोगों का इधर से उधर मार्चन हो जाता है। अनिल सागर जी, अनिल सागर जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनिल सागर जी, एक बात बताइए, अभी बसपा जो सुप्रीमो हैं बहन कुमारी मायावती ने, उन्होंने गठबंधन को अलग किया है, तो इससे क्या नज़रिया से आप देखते हैं? देखिए, बहन जी का जो निर्णय है जी, पहले लोग ये बोलते थे इस बात को कि गठबंधन नहीं हो रहा जी, और लोगों ने अपने अपनी विचार, अपनी अपनी बातें फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब सोशल मीडिया पे लोगों को डालने का डाला और अपनी बातें शेयर करने का काम की जी, और उसके बाद निर्णय ये आया। मतलब धैर्य की सीमा में हम लोग नहीं हैं, जैसे आज मैं वर्तमान में देख रहा हूँ कि जिस तरह से गठबंधन की बात बहन जी ने अभी बताई, जिस तरह से अपनी स्टेटमेंट बहन जी ने रखी, तो उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि हमारे जो समाज के लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अभी लोगों में एक गलत मैसेज ये है कि लोग गठबंधन की बात को सोच के तुरंत लोगों ने एक नेगेटिव जो थिंकिंग बनाई है कि गठबंधन हमारा टूट गया जी। अभी हमारा गठबंधन टूटने कोई ऐलान नहीं किया गया, अभी कोई ऐसा ऐलान नहीं दिया जी। तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बहन जी जो भी निर्णय लेंगी वो समाज के हित में लेंगी, समाज के अहित में बिल्कुल निर्णय नहीं लेंगी बहन जी। अनिल जी, आपने बड़ी अच्छी से बताया कि गठबंधन टूटा नहीं है। बहन जी ने बोला भी है कि मेरे को बहुत मान सम्मान दिया है सपा और डिंपल जी ने, सभी ने बहुत मान सम्मान दिया है और सपा के साथ हमेशा खड़ी हुई हैं। मैं आपसे एक बात और पूछना पड़ूंगा चाहूँगा कि आप दिल्ली से हैं, दिल्ली NCR से हैं, और दिल्ली NCR के अंदर जो वोट बैंक था वो बहुजन समाज का बहुत कम आया है। आज पूरा देश व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सारी जगह देश के अंदर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करता है, लेकिन ज़मीनी कहाँ तक सच्चाइयाँ हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो सर आपको मैं बताऊं, देखो मैं मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूं जी, और इस बात को हमें कोई गुरेज नहीं है बोलने से। बहन जी ने एक मीटिंग ली थी आज से 8 महीने पहले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उस बैठक में बहन जी ने इस बात को बोला था कि आप मुझे प्रधानमंत्री बनाने की बात मत कहो जी, आप मेरे को PM बनाने की बात मत करो जी। थोड़ी शर्म आती है इस बात को लेके कि आपका ग्राउंड पे, तो ग्राउंड स्तर पे आपका संगठन तो जीरो है, आपकी बूथ कमेटियां तैयार नहीं है, और आप देश में मीटिंगों में ये कहते हो कि बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इस बात से जाहिर होता है कि बहन जी को भी संज्ञान था इस बात का कि हमारी जो है निचले स्तर पे ग्राउंड पे हमारा वर्क जो है बिल्कुल लूज था, पर वहाँ पर उसके बाद कार्यकर्ता ने इस बात को बोला था कि बहन जी हम लोग मेहनत करेंगे। 8 महीने पहले की बात है, क्योंकि रिजल्ट तो अभी 15-20 दिन पहले ही आपके बीच में आया है। 8 महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोगों ने भी आश्वासन दिलाया था कि नहीं बहन जी, हम लोग जुड़ के काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, हम लोग भाईचारा आगे बढ़ाने का काम करेंगे जी। पर ऐसा नहीं हुआ जी। मतलब बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाने की बात तो करें जी, पर जो हमारा समाज जो है जी, जो हमारा बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मान लीजिए अगर संगठन हमारा तैयार नहीं है, हमारे संगठन के लोग उनके पास जाते हैं तो उनको भी जुड़ के, क्योंकि जब बहन जी इस बात को कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी प्लेटफॉर्म राजनीतिक प्लेटफॉर्म बाद में है, पहले एक सामाजिक मूवमेंट है, तो इस बात को बहन जी बार बार अपनी बातें बोलती हैं। तो मैं सिर्फ इस बात को कहूँगा कि देखो ग्राउंड पे जो है वर्क नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था जी। अनिल जी, आप युवा हैं और युवा लोगों को देखते हैं कि युवा बसपा के अंदर होने से बहुत सारी क्रियाओं को बनाया जाता है, बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा जाता है, लेकिन बसपा के अंदर एक चीज़ देखने में आती है, अगर कोई भी जरा सी किसी की खामी होती है तो तुरंत उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके जैसे अभी आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इंडिविजुअली किसी का, लेकिन ऐसा निर्णय क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बसपा के अंदर क्या ये तेज गति का निर्णय बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के लिए लगा दिया हो, उसको एक स्टेटमेंट के ऊपर या एक फोटोग्राफ्स के ऊपर आप उसको पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे अगर आप नाम लेके बोले तो मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण होगा बताने में जी, क्योंकि अभी फोटो वाली बात मेरे सामने कोई ऐसी आई नहीं है जी। और देखो मैं प्रोफेसर विवेक का नाम मैं बता देता हूँ आपको, सुरेंद्र जी जो आपके दिल्ली के अध्यक्ष थे, उनको भी अभी पार्टी से बाहर रहने को कहा गया है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो दिल्ली से बाहर की बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ये हैं, उनके बारे में आप बताएं। प्रोफेसर विवेक सर का जो आप मामले की बात कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा
जिन लोगों ने पार्टी से उनको निकाला गया, पद से निकाला गया जी। पर आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल जायज़ बात है, जिन लोगों ने अपना मूवमेंट में, इस मूवमेंट में अपना बहुत काफ़ी लंबा समय इसमें दिया जी। और हर समय वो मूवमेंट के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को पार्टी से बाहर किया जाता जी। पर ये बहन जी की गलती नहीं है जी, इसमें बहन जी के ऊपर जो है आरोप नहीं लगा सकते इस बात का, क्योंकि संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व हमारे हाथ में है जी। जिस तरह से हम लोग जो कि बहन जी बोलती हैं इस बात को कि अगर संगठन को मैंने आपके हाथ में दे दिया है तो संगठन आपको कैसा चलाना है आप लोग जाने, पर मुझे रिजल्ट आप लोग लाके दें। तो कुछ लोगों ने इस बात को जो है वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जी। और उनको जो है पार्टी से निकालने का काम किया जी। ऐसा हो सकता है आगे भविष्य में, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको भी जो जो बाहर पार्टी, जैसे मैं भी पार्टी से बाहर था, जो जो शीर्ष नेतृत्व जिसके हाथ में था, उन लोगों ने हम लोगों को पार्टी से बाहर निकाला। आप लोग जानते हैं इस बात को कि हमारा कोई कसूर तो था ही नहीं, बिल्कुल। हम तो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, मीटिंग में। लास्ट टाइम जब मुझे पार्टी से निकाला तो उससे पहले एक दिन पहले मैंने यूथ का पूरा जो है कैडर लिया था, कम से कम 500 के संख्या में वहाँ लोग हर्षविहार के अंदर जो यूथ था, और मैं वहाँ कैडर लेके, मेरी नेक्स्ट डे ये प्लानिंग थी कि उन लोगों को विधानसभा में किस तरह से जिम्मेदारी देके उनसे काम लूँ मैं। पर मुझे सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है और आप जो है अपना सामान वापस दे दो जी। तो ये बात तो जायज़ है आपकी, पर देखिए जो शीर्ष नेतृत्व है जिसके हाथ में बहन जी संगठन को देती हैं, गलतियाँ उनकी होती हैं, वो संगठन को अपने हिसाब से चलाते हैं। आज वर्तमान में बताऊँ आपको, जो संगठन, जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का जिनके हाथ में है, उन लोगों की आप तारीफ़ काबिल हैं वो लोग कि बहन जी को उन लोगों ने किसी को निकालने की बात नहीं की जी। आप देखेंगे प्रदेश की मीटिंग भी हुई, अभी लोकसभा की कल मीटिंग भी हुई है, पार्टी से किसी व्यक्ति को नहीं निकाला गया जी। सबको, कार्यकर्ताओं को, कल मैं भी था जी। मैं जोन इंचार्ज भी हूँ इधर उत्तरी पूर्व लोकसभा में। हम सारी टीम के लोगों ने निर्णय लिया कि जो कार्यकर्ता, जो हमारी रीढ़ होती है पार्टी की, उनको हम मान सम्मान देना है। कल हमने कार्यकर्ताओं को पटका पहना के, माला, फूल माला पहना के, सबसे पहले जो पहले सिस्टम चलता था कि पदाधिकारी का स्वागत होता था, पर ऐसा नहीं किया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने कार्यकर्ताओं का स्वागत किया जी। तो हमने किसी को पार्टी से निकालने की बात भी नहीं की। देखो नेतृत्व की बात होती है, नेतृत्व किसके हाथ में होता है, वो किस तरह से नेतृत्व को चलाता है, पार्टी को किस तरह चलाता है। तो पहले नेतृत्व था, आपके सामने था, मैं बोलूँगा नहीं। आज नेतृत्व जिसके हाथ में है, आप देख लीजिए कि पार्टी से पहले किन को निकाला गया था, आज पार्टी से किसको निकाला गया जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।